हेलो हेलो। सो हमने यहाँ पे ये देखिए इसका एलिवेशन हमने बनाया था। सो हमने यहाँ पे ये टीवी यूनिट का एलिवेशन बना लिया है और हमने साथ ही साथ यहाँ पे इसका एलिवेशन भी बना लिया है। अब इसके एलिवेशन में हमने बात करी थी कि अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप मल्टीपल तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो सिंगल लाइन से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से डबल लाइन ही क्रिएट कर लो तो आपके फटाफट फटाफट चीज़ें वहाँ पे भी बन सकती हैं। तो आपको जैसा आपका वहाँ रहेगा आप उस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने ऊपर में सिंगल सिंगल ही रखा है, जहाँ पे डबल है वहाँ पे हम डबल निकालेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीज़ रह गया था, वो ये था कि आपको यहाँ पे आना है इस सेगमेंट में, एंड इस सेगमेंट में आके आपको यहाँ पे ऐसे करीब 3 इंच जगह छोड़नी है, एंड इधर से भी 3 इंच जगह छोड़नी है, और इधर ये कर देना है। एंड PR एंटर कर लेना है आपको। ठीक है, ये स्टैंड के लिए, क्योंकि आपका टीवी का जो स्टैंड होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे भी हमको कवर चाहिए होगा, क्या इसी बात, यहाँ पे भी कवर चाहिए होगा। तो हमने यहाँ से ऐसा एक बनाया था, तो हमने यहाँ से ये बना लिया, और अभी मैं इसको यहाँ पे लाइन लूँगा, शिफ्ट दबा के मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पे लिया मीड बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड क्लिक एंड दिस इज द मिड पॉइंट। हमने यहाँ पे एक डॉट ऐसे बना लिया, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऑफसेट लेंगे, और कुछ चलो ऑफसेट की जरूरत नहीं, एल एंटर कर लो मैं फिलहाल इधर से जाकर, और इधर से जाकर आप कर लो कुछ 12 इंच, और यहाँ पे आके कर लो ऐसा, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, एंड यहाँ पे कर लो PR एंटर, एंड बना दीजिए। और इसको एक एल और लेना है, और एक एल लेकर हम यहाँ पे एक ऐसा बना देंगे। ये हमारा कुछ कवर्ड वाला पार्ट बन गया। अब जब हम यहाँ पे जाके, जब हम इसमें जाकर यहाँ पे जब हम बनाएंगे, तो ये हमें इंडिविजुअल्स लाइन क्रिएट करके एक एक बॉक्सेस एक्सट्रूड करके और इनसेट करके भी हम दोनों तरीके से दिखाएंगे आपको जब हम वहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ से भी एक सिंगल लाइन ही किया है, हालांकि यहाँ पे अगर आप डबल लाइन कर लेते हो तो ये आपके लिए भी बेहतर है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंगल लाइन से भी कैसे कर सकते हो ये भी हम बताएंगे, इसलिए हमने इसको निकाल के रखा है। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं और अब हमें ये वार्डरोब को पकड़ना है। तो पहले हम ये वार्डरोब को ले लेते हैं, एंड लेकर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे ला के रख देंगे, देन सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम करेंगे रोटेट, सेलेक्ट करेंगे एम एंटर, एक लाइन लेके इसको क्लोज करके रख लो फिलहाल। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें बनाना है यहाँ पे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसका एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, एम एंटर किया, इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। अब हम उसे एल एंटर करेंगे, परफेक्ट है ना, एंड सेम यहाँ पे एल एंटर, अब यहाँ पे आप जाओ ओ एंटर करो 3 इंच, तो एकदम सेम टू सेम लेवल पे आ जाएगा आपका। अब यहां से आपको ओ एंटर करना है और ये करना है कुछ 6 फिट, 6 फिट का अलमारी, 6 फिट से ज्यादा का कोई मतलब बनता नहीं, तो ये हम 6 फिट का ही कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये प्लान कर रहे हो कि नहीं मेरी पूरी की पूरी जो अलमारी है वो
स्लाइडिंग वाली है और एकदम ऊपर तक है, टॉप तक, मतलब 10 फीट तक, यानी कि हमारा जो घर का ये होगा करीब 8 फीट तक होगा, ये 8 फीट तक हम लगाना चाहते हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं। ये टोटल आपके पे ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि हम स्लाइडिंग डोर बना रहे हैं तो हम ऊपर में भी चीज़ें डाल सकते हैं, तो हम इसको एम एंटर करेंगे और इसको हम कुछ 2 फीट ऊपर मूव कर लेंगे, तो 8 फीट रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारा रहेगा वो फॉल सीलिंग बन जाएगा। ठीक है, फॉल सीलिंग की चीज़ें रहेंगी तो हम 8 फीट पे इसको रख लेते हैं। एम टी आर एंटर करेंगे एक बार के लिए, ये लाइन क्लियर कर लेंगे। अब ये आपकी चीज़ें बन गई। अब ये हमारा इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए, सबसे पहले आप यहाँ पे एल एंटर करो और करके यहाँ पे जाओ 3 इंच, डन, सिलेक्ट डिलीट। टी आर एंटर, बन गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। मान लो कि ये हमारा एल एंटर कर लेता हूँ और ये कितना कितना का, कितना बाई कितना था, ये 4 फीट। ओके, तो एक तो आपका जो डोर बनने वाला है वो ये डोर है, ठीक है, और दूसरा जो डोर है वो ये है, और एक जो डोर है यहां से आप डायरेक्ट ऐसे कर दो ना, ई एक्स एंटर, अब यहां से आपको ये लाइन लेनी पड़ेगी ऐसा, एंड देन ई एक्स एंटर, ओके, ये आपको एक्सटेंड नहीं होने वाला, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो सकता था, ठीक है। अब यहां जाएंगे टी आर एंटर, डन, तो ये आपका डोर बनके तैयार हो गया। तो ये एक डोर है और ये दूसरा डोर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे L एंटर करनी है और इसकी मिड पॉइंट ढूंढनी है। क्लिक, राइट ना, ये इसका आपका हो गया मिड पॉइंट। क्यों ये मिड पॉइंट मैंने ढूंढा, क्योंकि हमें पता है कि हमको यहीं से 2 हैंडल्स भी लगाने हैं, ठीक है, 2 हैंडल्स लगाने हैं। अब ये कितना फीट है, 8 फीट है, तो अब 4 फीट पे एक तो हम 3 फीट पे हैंडल लगाएंगे, क्योंकि ये डिवीजन होने वाला है, ये पूरा का पूरा एक स्लाइडर डोर इतना बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऑफसेट लेंगे, पहले ध्यान से समझना इस चीज़ को, और हम 24 इंच इसको नीचे की ओर, नीचे की ओर डाल देंगे। आपकी जो मेन अलमारी है ये होने वाली है, ये ऊपर का स्टोरेज है, आप समझ लो, ये ऊपर का जो है पूरा का पूरा स्टोरेज है, लेकिन मेन आलमारी जो है आपका
यही है। अब यहाँ पर एक और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि आप क्या बना रहे हो, आप स्लाइडिंग डोर बना रहे हो, यू डोंट नीड टू ऐड दिस थिंग्स। सिंपल, यहां पे क्या होगा, ये चूंकि स्लाइडिंग डोर है तो सिंपल एक ही बीच से लाइन क्रिएट करना है आपको, नथिंग एल्स। लेकिन इंटीरियर रहेगा, इंटीरियर रहेगा, लेकिन जो लाइन्स है यहां पे वो सिंपल ही रहेंगे, एक ही रहेगा, एक से ज्यादा का लाइन काम को जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ये डोर बनने वाला है तो ये स्लाइडिंग वाला है तो हम एक से ज्यादा को यहाँ पे रखेंगे भी नहीं। सेम चीज यहाँ पे भी हम इतनी मेहनत करके कोई फायदा ही नहीं है हमको, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ex करेंगे और उसको स्टेल करेंगे। ये मेरा मेन है, क्योंकि स्लाइडिंग है तो सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, अगर खोलने वाला होता तो इतना बड़ा दरवाजा खुलता नहीं इसलिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो खाने बनेंगे इसके, इसके अंदर की जो चीजें बनेंगी वो 2x1 में बनेगा, मतलब दो एक, दो और एक में बनेगा। तो हम यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ई एक्स एंटर कर लेते हैं, डन। अब इन दोनों को पकड़ो, अच्छा ये जब आप ये करोगे ये तो आपको सिंगल सिंगल ही लेकर आना हुआ है, और ये भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो, आप सिंपल क्या करोगे ऑफसेट मार दोगे तो भी आपका काम चले, लेकिन मेरा अभी किया हुआ है तो अभी मैं अलग से ज़्यादा वो एफर्ट नहीं लगाने वाला, तो मैं सिंपल यहाँ से ऐसे कर दूँगा। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, डन। अब हमें क्या करना है, जब हमें यहाँ पे टी आर एंटर करनी है उसको आ देना बस। अच्छा ये वाला जो डोर है यहाँ पे भी, ये टोटल आपके डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं, इसमें भी आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, लेकिन ये तो जैसा है वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें कर लेता हूँ, एल एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि ये अपनी कॉल है और अपनी क्रिएटिविटी है तो आपको अपने हिसाब से उसको करना है। पूरा का पूरा लाइन है, तो हम क्या करेंगे कि लाइन लेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मिड बिटवीन, कर देंगे डन। अगली तरह का देख लो, हाँ ठीक है, देखो आपका ये इस तरीके का अलमारी आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्लाइडिंग डोर रहेगा, इधर भी दो कवरेज रहेंगे, यहाँ पे कवर्ड रहेंगे और यहाँ पे। अब ये हो गई हमारी ये वाली, तो ये वाली जो चीज़ है ये वाली, ये 2x1 की है, तो 2x1 है मतलब कि ये टी आर हमने गलती से बना था, ये तो रहेगा ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब आपको सिंपल यहाँ पे आपको किस तरीके का बनाना है वो आप बना लीजिए। तो हमने एल एंटर किया और यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से हम कुछ 18 इंच छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम एक जगह रख दिए, ठीक है। उसके बाद हम टी आर एंटर कर लेते पहले, ताकि तुम साफ सुथरा यहाँ पे हमारा बनकर चला जाए, डन। एंड ओ ऑफसेट क्लियर, यहाँ पे बन जाइए। अब यहाँ पे आपको जाके क्या करना है कि यहाँ पे आपको 0.5 लेनी है ऐसा, एंड देन आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो और या फिर ओ एंटर और यहाँ पे हम कर लेते हैं 12, डन। एंड अगेन ओ एंटर 0.5, डन। एंड देन मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया एंड यहां पे जाएंगे कॉपी में, कर देंगे 12.5 और बन गया, और यहां पे भी एंटर देंगे 12.5, बन गया ये परफेक्ट। अब यहाँ पे एक एल एंटर, एक लाइनिंग कर देते हैं और यहाँ से कर लेते हैं ओ एंटर 0.25,
इधर और 0.25 इधर, तो 0.5 बन गया, इसको उड़ा दो। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक ही बार में ये पूरा कवर्ड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे और एक करेंगे 0.5 का ऑफसेट, इसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, बाहर तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, अंदर लेना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि हमारा एक ही बार में सब चीज बन के तैयार हो जाएगा, एक ही बार में हमारा कवर्ड पूरा क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेल इधर भी जाना है, और इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारा स्लाइडिंग डोर बना रहा था, मेन काम यही करेगा, ये तो हम ऊपर से लगा लेंगे, बट दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ता है। TR एंटर करो, अब यहाँ पे सबको खत्म करो। ये भी एक प्रोसेस है, और नहीं तो आप सिंगल लाइन भी कर सकते हो, फिर आप वहां पे एक्सट्रूड इंसेट वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि आपको एक ही बार में आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, एक बार में ही आप यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें हैं एक बार में आपका ऐसे बाहर आ जाएगा फूट के। यहाँ पे आपको कनेक्टर रखना है, आप रख भी सकते हैं। फिर बहुत क्लियर आपका ये अलमारी बन जाएगा, जब हम वहाँ पे ले जाके इसको लेके जाएंगे तो हम ये बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे, बहुत आसानी से, इसमें कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फटाफट 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 ऐसे करके यहाँ पे जाना है, यहाँ से क्रिएट करना है, और फिर अंदर वाली सारी पोर्शंस भी आपको क्रिएट कर लेनी पड़ेगी, तो आप ईजिली इसको बना सकते हैं, ईजिली आपको बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक हमने बहुत कम लाइन लिया भाई ना, नहीं ये तो 0.5 है, तो ये 0.5 से भी कम है ना, ये 0.5 से भी कम है। चलो कोई नहीं, ठीक है, आपका बन गया कवर्ड। तो देखो हमने यहाँ पे अभी पूरी की पूरी चीज ये बना ली है, इस तरीके से यहाँ पे फर्नीचर को सारा एलिवेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है, इसे भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, और ये हमारा यहाँ आएगा, राइट, सेलेक्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, एम एंटर मूव करेंगे, डन। अब ये सेम प्रोसीजर हमको यहां पे भी करना होगा, सेम एल एंटर, ठीक है, फिर यहां पे जाओ ओ एंटर, फिनिश, एंड ओ एंटर, और यहाँ से कर लेंगे कुछ चार फिट, जितना ही हाइट का है ये, ठीक है, ये इतना ही हाइट का बनने वाला है। अब इसमें ज़्यादा कुछ कवर्ड ओवर्ड का झमेला है नहीं, तो ये हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे 12 इंच,
एक लाइन बना लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, वो एंटर करेंगे और कर लेंगे एक और यहाँ पे सर 15 इंच, और एक नीचे ऐसा बड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और एक आप और बना सकें। नहीं एक और मत बनाना क्योंकि उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो देखो नीचे में बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं वो रख लेंगे और ऊपर में नीचे में यहाँ पर रख लेंगे। अच्छा यहाँ पे जब बना रहे होगे आप, ये जब बना रहे हो तो इसमें आपको एक चीज़ और करनी ज़रूरी है। तो एल एंटर करो और यहाँ से यहाँ पर 9 और यहाँ से आप ऑफसेट 0.25 कर ले लो, 0.25 कर ले लो या फिर 0.5 कर ले लो। ये इसलिए ये हमारा लॉकर वाला सेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे लॉकर वाले सेक्शन रहेंगे। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमको एक चीज़ और करना है। तो मैं पहले इसको यहाँ पे से शॉर्ट करता हूँ एंड एल एंटर करके इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक वो बनाना है, हैंडल। सो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हैंडल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे पहले तो ओ एंटर करो, वो एंटर, और यहाँ से कर लो लाइक 1 इंच छोड़ दो और लाइक वो एंटर। आप कुछ 2 इंच छोड़ सकते हो या 3 इंच छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया। एल एंटर किया, इसका मिड पॉइंट लेंगे, ये मिड पॉइंट है इसका। अब यहाँ से एक ऑफसेट ले लो और इसको हम कर लेंगे कुछ 5 इंच ऊपर, 5 इंच नीचे। डन। हमारा मेन कौन सा जगह है, ये वाला जगह है, मेन ये। अब हम यहाँ पे आएंगे, ओ एंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कुछ 0.7 इंच, 0.7। और आप 1 इंच भी ले दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ एंटर 1 इंच कर दो। डन। अब लो यहाँ से PR एंटर, अच्छा हाँ 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 एग्जैक्टली। यहाँ पे नहीं करके हम यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ ये सही है, तो मैं इसे सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करके एम एंटर कर लेते हैं, लगा देते हैं यहाँ, ठीक है, सेलेक्ट करो एम एंटर। अभी कितना डिस्टेंस में वो चेक कीजिए, 2 इंच पे हैं, 2 इंच पे हैं, बराबर पे सब गया है, कैसे फाइन अंदाजा कैसे गड़बड़ है। इतना इतना परफेक्ट तो हो ही सकता कभी यार, समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए ये डाउट जैसे ही आए ना तुरंत चेक कर लिया। अब जाके ये मेजर करोगे ना, डन। अब जाके डन हो नहीं, वो तो सामने ही तो है, तुम वो ले सकते हो ना, ये तो डायमेंशन है, आप वो कर लो। आप यहाँ पे आके करो ऐसा, ये देखो हाँ DIM जो है ना सब यहाँ पे है, लीनियर, लीनियर में लिया, लीनियर जाकर ले लो। ये कमांड है, कौन सा वर्जन है, हाँ तो वो तो उसका वर्जन उन लोगों ने अलग कर दिया, ये तो जैसा रहेगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, है ना, नीचे से ऐसे इसका निकाल।
ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा ये चीज बन गया। अब ये जो है इसका भी हमारा दो सेगमेंट होगा, तो हम पहले एल एंटर आते हैं, ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी बना लेंगे, एल एंटर डू दिस, एंड उसके बाद हमारा ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम बना लेंगे खोलने वाला जैसा। तो ये जो पैटर्न है सेम पैटर्न हम यहाँ पे रखेंगे, सेम टू सेम ही पैटर्न रखेंगे, बस थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम होगा। हम यहाँ पे जाते हैं इसको सेंटर में, सेंटर में जाके हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको ऐसा कुछ 1 इंच, नीचे आते हैं हम कर लेते हैं 6 इंच, और नहीं 6 इंच नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है, 4 इंच है ना, फिर 1 इंच, फिर 8 इंच, 1 इंच, परफेक्ट। अब इसके आप इसे सिलेक्ट करो तो तुम ये रहता है, देखो एकदम आपका परफेक्ट जो चीज़ें हैं वो आपकी बन के यहाँ पे तैयार है। ये भी हो गया। अभी हमारे पास देखो बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने को, जैसे ये सोफ़ा वाला है, तो सोफ़ा का हम बेड भी हमको अभी बनाना ही है, बट हम ये चीज़ तो बना लेंगे बाद में, और इसकी ज़रूरत है नहीं, टीवी यूनिट हमने बनी, हाँ अब ये बनाना ज़रूरी है। दिस इज द पूजा घर, रोटेट, बहुत बार कमांड से ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप सीधा यहीं से ले लो ऑप्शन, राइट ना। सब में ऊपर में आपको नाम लिखना है यहाँ पे सबका, एल एंटर, सेम चीज यहाँ पे भी रहेगा, छोड़ेंगे ये कितना हाइट में था हमारा, ये हाइट में टीवी यूनिट की जो हाइट है यहाँ पे उसे थोड़ा सा छोटा रखेंगे यहाँ पर, तो एंटर, और हम कर लेते 5 फीट, इतना तो रहेगा ही, पूजा घर बना रहे हैं तो रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको पूजा घर में क्या करना है ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। तो जैसा भी जो भी आप ऑफसेट लेना चाहते हो ऑफसेट ले लो, जैसे हमने 12 इंच का ले लिया, हमें 12 इंच यहाँ पे रख लिया, नीचे में कुछ सामान वहाँ रखने का ले लिया। अब यहाँ पे आपको जैसा डिज़ाइन करना है वैसा आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऊपर में कुछ ऐसा टॉम टाइप का कुछ भी बनाए, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल सिंपल सा चीज़ यहाँ पे आप आराम से बना सकते हो। ये यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक ऑफ से जाएगा कुछ 0.5 का, और हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे 0.5 का रहेगा, इसके बाद ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी डेकोरेशन जिस तरीके से आप चीज़ें करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, जैसे समझ मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मिडल लाइन ले लिया, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसा बनाया कि
हमने किया 18। अब यहाँ पे है मैं आप एक सेंटर को ढूंढा, यहाँ पे क्लिक किया, अरे यहाँ पे आपको जिस तरीके से भी चाहिए, जैसे कोई आर्क कुछ बना रहा है आपको। हाँ